ऑडियो जंगल। नमस्कार, झारखंड के संध्या के खबरों में आप सबों का स्वागत है। आज की शाम की मुख्य बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों का स्व अभिप्रमाणित विवरणी समेत प्रमाण पत्र 30 मार्च तक ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल से उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक सरय कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देने वाला पारा शिक्षकों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। 30 मार्च तक अपलोड होने वाले प्रमाण पत्रों का जिला स्तर पर 15 दिनों के अंदर सत्यापन कराने को कहा गया है। तय समय में कार्य नहीं करने वाले जिला शिक्षक अधीक्षक व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। खबर है झारखंड के धनबाद से। धनबाद से राजधानी रांची के बीच चलने वाली इंटरसिटी स्पेशल जल्द ही पटरी पर लौटेगी। धनबाद रेल मंडल ने रांची इंटरसिटी स्पेशल को चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे बोर्ड ने पिछले दिनों ही ट्रेन चलाने की मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन तकनीकी कारण से ट्रेन नहीं चल पा रही थी। बताया जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद रांची इंटरसिटी के चलते ही बाबाधाम इंटरसिटी को चलाने के बाद रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल रांची इंटरसिटी के रेक से ही बाबाधाम रांची इंटरसिटी भी चलती है। माना जा रहा है कि रांची इंटरसिटी के चलते ही बाबाधाम इंटरसिटी स्पेशल को भी मंजूरी दे दी जाएगी। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल सुबह 5:40 पर खुलेगी। यह ट्रेन सुबह 6:09 कतरास और सुबह 9:55 पर रांची पहुंचेगी। झारखंड में गैस की बुकिंग कराने के लिए अब उपभोक्ताओं को सिर्फ मिस्ड कॉल करनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है। ग्राहक अब रिफिल बुक कराने के लिए सिंगल मित्र कॉल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि सिलेंडर बुकिंग कराने के लिए कंपनियों ने कई तरह के माध्यम बनाए हुए, लेकिन सबसे आसान मिस्ड कॉल होगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी ग्राहक अब सिलेंडर बुकिंग के लिए 8454955555 पर मिस्ड कॉल कर सिलेंडर बुक करा सकते हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होगी और रिजल्ट मई में आएगा। परीक्षा की तिथियों की घोषणा एक सप्ताह में हो जाएगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी, लेकिन झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च में होगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा एक सप्ताह में की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जेक ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि परीक्षा की तिथियां ऐसी निर्धारित की जाए कि मार्च में ही सभी परीक्षाएं खत्म हो जाएं। झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 151 मिले हैं नए संक्रमित मरीज, 205 ठीक भी हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। झारखंड के विभिन्न जिलों से शनिवार को 151 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जिसमें 205 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में धनबाद, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ से एक एक मरीज शामिल हैं। अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 115,241 हो गई है, वहीं ठीक होने वालों की संख्या 112,529 पर पहुंच गई है। राज्य में अब 1682 मरीज एक्टिव हैं। कहां से कितने मरीज शनिवार को मिले, आइए जानते हैं। बोकारो से 11, चतरा से 1, देवघर से 6, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 3, खुट्टी से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 6, रामगढ़ से 15, रांची से 71, सरायकेला से 3, पश्चिमी सिंहभूम से 1 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड के मौसम विभाग के आधार पर रांची में 4 जनवरी से छा सकते हैं आंशिक बादल, रात में कम हो सकती है ठंड। राजधानी रांची में 4 जनवरी से मौसम बदलाव देखा जा सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, इस वजह से दिन में हल्की धूप होगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है, इसकी वजह से रात में लोगों को पहले की अपेक्षा ठंड थोड़ी कम महसूस होगी। मौसम में बदलाव की स्थिति 6 जनवरी तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल NCR में हुई बारिश का असर झारखंड पर नहीं दिखेगा। रविवार को मौसम शुष्क रहा और अच्छी धूप खिली, हालांकि सुबह तेज ठंड महसूस की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया। कोरोना महामारी के बीच अब एक नया खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान के 5 जिलों और मध्य प्रदेश के इंदौर में बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसे देखते ही झारखंड में भी एहतियात अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी पक्षी की अस्वाभाविक मौत होने पर इसकी सूचना तत्काल पशुपालन विभाग और उच्च अधिकारियों को दें। पक्षी के बिसरे को जांच के लिए लैब में भेजें। पशुपालन निदेशक नैसी सहाय ने कहा कि झारखंड में अभी बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं मिला है। अलर्ट इसलिए जारी किया गया है कि लोग सचेत रहें और अनावश्यक भय व भ्रांति ना फैलाएं। खबर है झारखंड के सरायकेला से। खड़े ट्रक में घुसी तेज स्पीड बाइक, 2 सगे भाइयों की मौत, एक की 3 माह पहले हुई थी शादी।
सरायकेला थाना क्षेत्र के सरायकेला टाटा सड़क मार्ग स्थित दुगुनी में सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाइयों की मौत हो गई। दोनों ही बाइक से तेज रफ्तार में घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे हिस्से में जा घुसी। मौके पर ही दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया। हादसा शनिवार देर रात का है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।